Hi everyone, welcome to One Line. मेरे नाम है नूर। Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, आपके रेकरिंग डिपॉजिट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की रेकरिंग डिपॉजिट में एवरी मंथ यानी कि हर महीना 500 रुपीज़ करके आप डिपॉजिट करते हैं, 500 रुपया करके आप डिपॉजिट करते हैं, तो 10 साल बाद आपको टोटल कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। गाइज, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसमें आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देके रखते हैं, बता के रखते हैं कि कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट में आपके मेन अकाउंट से वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स हैं वो आप सेव कर पाएँ। तो जैसे कि राइट नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे, क्लियर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि फॉर डोमेस्टिक एंड एनआरओ टर्म डिपॉजिट्स पर एनम फ्रेश या रिन्यूअल हो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 करोड़ से नीचे है। कई आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करें या रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट करें, आपको इंटरेस्ट परसेंटेज जो है यहाँ पे सेम मिलेगा। और गाइज आपको याद रखना है ये कॉलेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कॉलेबल कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ये होता है कि आपके जो मैच्योरिटी टाइम है, टाइम कंप्लीट होने के आगे ही अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, आपके अमाउंट को विदड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर तरीके से ये बताया गया कि 7 दिन से लेकर शुरू करके 10 साल से भी ज़्यादा आप जो है टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन बात हो रहा है अभी रेकरिंग डिपॉजिट का। तो रेकरिंग डिपॉजिट के लिए बताया गया है कि इंटरेस्ट परसेंटेज तो टर्म डिपॉजिट के हिसाब से ही मिलेगा और ड्यूरेशन जो सिलेक्ट होगा वो है कि 6 महीना से लेकर शुरू करके आप 120 महीना के लिए यानी कि 6 months to 10 years के लिए आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 4.90%, जो कि अपने टाइम फ्रेम के अनुसार जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर थोड़ा सा इसे आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा रिकरिंग डिपॉजिट को, तो आप देख सकते हैं कि 5 ईयर्स से लेकर शुरू करके 10 ईयर्स के लिए 5.25% इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। गाइज कुछ फीचर्स के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए, जहाँ पे यहाँ पे क्लियर तरीके से बताया गया है कि मिनिमम जो डिपॉजिट अमाउंट है, आप चाहें तो 50 रुपया करके भी हर महीना रूरल या सेमी अर्बन ब्रांच में अगर आपका अकाउंट है तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर अर्बन या मेट्रो एरिया में आपका ब्रांच अवेलेबल है तो आपको ₹100 करके भी आप मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। टेन्योरिटी यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि 6 महीना से लेकर शुरू करके 10 साल के लिए आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आप टाइम डिसाइड कीजिएगा उसी के हिसाब से जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड पेड ऑन मैच्योरिटी। आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट जो आपको दिया जाएगा ये क्वार्टरली बेसिस में कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन आपको जो मैच्योरिटी टाइम पे ही आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है हर 3 महीना अंतर आपके अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। गाइज आपको इस पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझना है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया जिसमें आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट किए थे उस अमाउंट को आप विदड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहता है। आप तो डायरेक्टली विदड्रॉ भी कर पाएंगे जिसमें कुछ पेनल्टीज लग जाता है, और आप अगर चाहें तो आप आपके डिपॉजिटेड अमाउंट का 95% अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख आपने डिपॉजिट कर चुके हैं अभी तक, तो उसका 95% अमाउंट जो है आप लोन या ओवरड्राफ्ट के तौर पर भी आप विदड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आपको पेनल्टीज नहीं लगेगा, हालांकि फिर जो है लोन के लिए इंटरेस्ट लगी जाता है, तो घूम फिर के जो है मैटर कम बेसी एक ही है, बस जो है आपके पास ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए जो है इंटरेस्ट रेट 0.50% इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। तो गाइज आपको याद रखना है सीनियर सिटीजन के लिए जो एज डिसाइड है वो है कि 60 ईयर्स एंड अबव, राइट। और आपको याद रखना है कि 0.50% इंटरेस्ट रेट आपको एक्स्ट्रा तभी मिलेगा जबकि आप जो है बिलो ₹1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप जो है 0.50% इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेनल्टी जो बताया गया है कि पेनल्टी आपको लग सकता है अगर आप जो है कोई भी मंथली इंस्टॉलमेंट फेल करते हैं तो 1% का आपको जो है पेनल्टी लग सकता है, जबकि यहाँ पे बताया गया कि TDS जो है TDS डेफिनेटली कटेगा अगर इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से देखा जाए, और TDS नहीं कटता है जबकि आप जो है 15G या 15H फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 रुपया करके अगर आप पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं, अर्निंग 5.25% इंटरेस्ट, यानी कि 5.25% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेसिस में अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, कंपाउंड किया जाए, तो 10 साल बाद आपका जो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी ₹78,935, यानी कि 78,935 रुपया आपका फ्यूचर वैल्यू होगा, जिसमें आपका 18,935 रुपया जो है इंटरेस्ट अर्न अमाउंट है। गाइज, आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो. Please subscribe this channel for more updates. Thank you so much.